स्टार्ट, मतलब कि हमारी जो ट्यूबलाइट होती है वो स्टार्टिंग के समय चलने में समय क्यों लगाती है। और दोस्तों इसी वीडियो के अंदर आप पूरी ट्यूबलाइट की अच्छे से वर्किंग समझ जाओगे क्या कि ट्यूबलाइट हमारी काम कैसे करती है। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा जरूरी है कि अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है व्हाट इज ट्यूबलाइट, कि ट्यूबलाइट क्या होती है, तो आपको उस समय क्या जवाब देना है। दोस्तों देखिए काफी छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है पर इस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके ऊपर एक अलग बड़ा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसी कारण से मैं इस क्वेश्चन को इसी वीडियो के अंदर कवर कर रहा हूं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि ट्यूबलाइट क्या होती है, तो आपको सिंपल सा बस यही आंसर देना है, ट्यूबलाइट इज ए डिवाइस, इट्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू विजिबल लाइटिंग एनर्जी। मतलब कि हमारी जो ट्यूबलाइट होती है वो ट्यूबलाइट हमारा एक ऐसा डिवाइस है, वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विजिबल लाइटिंग एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे हमारी जो मोटर होती है वो मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इसी तरह हमारी ट्यूबलाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विजिबल लाइटिंग एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल की ऊर्जा को हमारे रोशनी में बदल देती है। तो दोस्तों अब हमारे पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि हमारी जो ट्यूबलाइट होती है वो ट्यूबलाइट चलने में समय क्यों लेती है। तो दोस्तों देखिए इसको समझना काफी सिंपल था है। जैसे आपको पता है हमारी जो ट्यूबलाइट होती है जिसको हम रोड बोलते हैं, वो रोड को हम फ्लूरोसेंट लैंप भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रोड बना दिया, ठीक है। अब आपने देखा है कि रोड पे चार पॉइंट निकले होते हैं, दो इधर होते हैं और दो पॉइंट इधर निकले होते हैं। ये दोनों पॉइंट अंदर से दोस्तों शॉर्ट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट होते हैं। मतलब ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ये दोनों पॉइंट इधर के आपस में शॉर्ट होंगे और ये दोनों पॉइंट अंदर से इधर के आपस में शॉर्ट होंगे। दोस्तों एक छोटी सी चीज हमेशा याद रखना ट्यूबलाइट के केस में, कि हमारी जो ट्यूबलाइट जो रोशनी देती है वो ट्यूबलाइट की रोशनी कभी भी विजिबल रोशनी नहीं होती है। जैसे मैंने भी आपको बताया था ट्यूबलाइट जो होती है वो विजिबल एनर्जी देती है, मतलब ऐसी लाइटिंग मतलब ऐसी रोशनी जो हमको दिखती है जिसकी वजह से हमारा प्रकाश हो जाता है, पर असलियत में ट्यूबलाइट ऐसी नहीं देती है। ये जो रोड होती है दोस्तों, इस रोड पे एक कोटिंग की जाती है, फास्फोरस जिसको बोलते हैं, उस फास्फोरस की कोटिंग की जाती है। उस कोटिंग की मदद से आपने देखा ट्यूबलाइट जो होती है वो सफेद कलर की होती है, तो सफेद कलर की इसलिए होती है कि उसके ऊपर सफेद कलर की कोटिंग की जाती है, एक तरह का आप बोल सकते हो सफेद कलर किया जाता है। तो जो कलर होता है ना उस कलर की वजह से हमको रोशनी मिलती है। अगर वो पूरा कलर खत्म हो जाएगा ना तो हमारी ट्यूबलाइट अगर चालू भी रहेगी तो भी हमको रोशनी नहीं मिलेगी। तो हमारी जो ट्यूबलाइट की रोशनी होती है वो इसी वजह से होती है। ये जो रोड होती है इस रोड के ऊपर फास्फोरस की कोटिंग की जाती है। और दोस्तों हमारी जो रोड होती है इसको इंजीनियरिंग भाषा में फ्लोरोसेंट लैंप कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें चार पॉइंट निकले होते हैं, दो इस साइड और दो इस साइड। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इधर का एक पॉइंट और इधर का एक पॉइंट, इन दोनों पे हम इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देते हैं। एक पे हम न्यूट्रल डायरेक्ट दे देते हैं, पर दूसरा हमारा जो इधर का पॉइंट है उस पॉइंट को हम पहले चौक से यानी जिसको हम ब्लास्ट बोलते हैं उस ब्लास्ट से जोड़ते हुए फिर हम फेस देते हैं। तो इस तरीके से इसको कनेक्ट किया जाता है, मतलब इधर के नीचे वाले पॉइंट को मैंने पहले न्यूट्रल दे दिया इधर से और इधर वाले पॉइंट पे मैंने ब्लास्ट के जरिए इसमें फेस सप्लाई दी। पर दोस्तों हमारे जो ऊपर के दोनों पॉइंट बचते हैं इन दोनों पॉइंट पे मैं एक स्टार्टर को लगाता हूं। ये स्टार्टर का ही पूरा खेल होता है हमारी ट्यूबलाइट को चलाने के लिए। तो दोस्तों मैं क्या करता हूं, इधर के ऊपर के जो दोनों पॉइंट है इन दोनों पॉइंट पे स्टार्टर के दो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट पे जाकर जोड़ देता हूं। दोस्तों एक चीज आपने देखी है कि जब हम ट्यूबलाइट को एक बार स्टार्ट कर देते हैं, ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के बाद में अगर हम इस स्टार्टर को निकाल भी देते हैं, इस स्टार्टर को हमारे सर्किट से निकाल देंगे तो भी हमारी ट्यूबलाइट चलती रहती है, तो उसका क्या कारण होता है, तो वो भी इसी वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब हम सप्लाई को ऑन करते हैं, जैसे अगर मैंने इधर न्यूट्रल दिया और इधर जैसे मैं फेस देता हूं तो इस वायर के अंदर हमारे वोल्टेज और करंट फ्लो होने लग जाते हैं, ठीक है, और ये चौक से होते हैं हमारा वोल्टेज और करंट इस जगह आ जाता है। तो दोस्तों जैसे हमने सप्लाई दी तो इधर तो हमारा फेस पहुंच जाता है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमारा न्यूट्रल पहुंच जाता है। पर दोस्तों हमारी जो ट्यूबलाइट होती है ये ट्यूबलाइट ग्लो नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हमारी गैस भरी होती है और उस गैस के अंदर हमारा करंट फ्लो कराने के लिए हमको काफी ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों अभी हमारी ट्यूबलाइट स्टार्ट नहीं होगी, अभी हमारा जो फेस है वो फेस इस इलेक्ट्रोड के थ्रू होते हुए इधर से ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे स्टार्टर पैक रुक जाएगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हमारी जो ट्यूबलाइट होती है उसके अंदर जो रोड होती है वो रोड ऐसे शॉर्ट होती है, ठीक है, तो हमारा जो फेस है वो फेस इधर से आएगा और हमारा फेस इधर आगे जुड़ जाएगा और इसी तरह हमारा जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल भी इधर से घूम के इधर जाके हमारा इस पॉइंट पे स्टार्ट के दूसरे पॉइंट पे आ जाएगा। तो दोस्तों अभी हमारी ट्यूबलाइट तो स्टार्ट नहीं, पर हमारा जो फेस और न्यूट्रल है वो दोनों हमारे इस पॉइंट पे आ चुके हैं, एक फेस इस पे आ गया स्टार्टर के और न्यूट्रल इस पे आ गया। तो दोस्तों अगर आप स्टार्टर को खोल के देखोगे तो स्टार्टर के अंदर भी आपको एक बल्ब दिखेगा, तो ये बल्ब का क्या काम होता है, यही पूरा ट्यूबलाइट को स्टार्ट करता है, इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों आसान शब्दों में समझाने के लिए मैंने इस बल्ब की ड्राइंग आपके यहाँ पे की है। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, एक हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट होता है और एक होता है हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट। इसको हम बिल्कुल आसानी समझ लेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा एक फेस इधर आ गया और एक न्यूट्रल इधर आ गया, जैसे हमको इस ट्यूबलाइट के सर्किट डायग्राम में दिख रहा है। तो दोस्तों जैसे फेस न्यूट्रल इसके अंदर आया तो इसके अंदर भी दोस्तों गैस भरी होती है, जो हमारा ये बल्ब है इस बल्ब के अंदर भी गैस भरी होती है। पर दोस्तों इसके अंदर जो गैस होती है वो गैस हमारे कम वोल्टेज पे, मतलब वो गैस हमारे 220 वोल्टेज पे भी ऑपरेट हो जाती है और उस गैस के ऑपरेट होने के बाद में हमारा ये जो बल्ब है ये बल्ब ग्लो होने लग जाता है। आपने देखा जब हम ट्यूबलाइट को चलाते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा जो स्टार्टर है उस स्टार्टर में से रोशनी आती है, तो वो इस बल्ब के कारण ही आती है। दोस्तों अगर आप इंटू के नजरिए से बात करोगे तो आपको ये गैस का नाम भी याद रखना है कि हमारा जो स्टार्टर का बल्ब होता है इसके अंदर कौन कौन सी गैस होती है, तो एक तो हाइड्रोजन होती है और एक हीलियम होती है। तो दोस्तों जैसे इसके अंदर फेस और न्यूट्रल आते हैं तो सबसे पहले हमारा ये बल्ब ग्लो हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बल्ब हमारा कम वोल्टेज पे ग्लो हो जाएगा। तो दोस्तों जब ये बल्ब ग्लो होता है तो आपको पता है जब बल्ब ग्लो होगा तो इसके अंदर हीट जनरेट होगी, हीट का मतलब ये गर्म होगा, इसका तापमान बढ़ेगा। तो दोस्तों जब इसका तापमान बढ़ता है तो हमारे इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया अभी कि इसके अंदर दो कॉन्टैक्ट होते हैं। अगर आप स्टार्टर को खोल के इस बल्ब को अच्छे से देखोगे, गौर से यहाँ पे देखोगे, तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर इस तरीके के दो कॉन्टैक्ट है, एक फिक्स है और एक मूविंग है। तो दोस्तों जैसे ही हम ट्यूबलाइट के अंदर 220 देते हैं तो हमारा जो स्टार्टर का बल्ब है ये सबसे पहले ग्लो होता है, और जब ये बल्ब ग्लो होता है तो इस बल्ब का हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब ये बल्ब हमारा तेज गर्म होता है। और जैसे ये बल्ब गर्म होता है तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया हमारा एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है और एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। तो ये जो दोनों कॉन्टैक्ट होते हैं इन दोनों कॉन्टैक्ट के नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों में धुरी बनी रहती है, मतलब आपस में ये दोनों दूर दूर होते हैं, एक इधर फेस जुड़ा हुआ है और एक इधर न्यूट्रल जुड़ा है, और ये कुछ इस तरीके का हमारा बल्ब है, ठीक है, अभी इन दोनों में धुरी है। पर जैसे ही हमारा जब ये बल्ब ग्लो होने के कारण गर्म हो जाता है तब दोस्तों ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ये मूविंग कॉन्टैक्ट हमारा मुड़ जाता है और हमारा इस फिक्स कॉन्टैक्ट जाके भिड़ जाता है, और जैसे इसके भिड़ेगा तो आपको पता है हमारा क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, और हमारे शॉर्ट सर्किट होने के कारण आपको पता है हमारा जो करंट है वो करंट एक समय के लिए काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा।
तो दोस्तों इस स्टार्टर के बल्ब के अंदर जो हमारा शॉर्ट सर्किट के कारण जो हमारा करंट बढ़ता है उसी के ऊपर ही हमारी ट्यूबलाइट पूरी वर्किंग करती है। अब हम इस शॉर्ट सर्किट के केस को 2 मिनट के अंदर समझ लेते हैं। तो दोस्तों अब हम हमारी ट्यूबलाइट की वर्किंग को पूरी आसानी से समझ लेते हैं और हमारी ट्यूबलाइट स्टार्टिंग में समय ज्यादा कैसे ले रही है वो भी आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको आधी चीजें बता दी कि हमने क्या किया, सबसे पहले इधर से फेस सप्लाई दी तो हमारा जो वोल्टेज और करंट है वो वोल्टेज और करंट डायरेक्ट हमारा स्टार्टर के पास आ जाता है, हमारा फेस इधर आ जाता है और न्यूट्रल भी हमारा इधर से घूम के इस इलेक्ट्रोड से घूम के हमारा न्यूट्रल भी यहाँ आ जाता है। क्योंकि इस ट्यूबलाइट के अंदर जो गैस बड़ी होती है उस गैस को एक बार चलाने के लिए हमको स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज की जरूरत होती है, तो इस समय हमारी ट्यूबलाइट ग्लो नहीं करती, हमारा फेस और न्यूट्रल हमारे स्टार्टर के पास चला जाता है। और जैसे ही हमारा फेस और न्यूट्रल इसके पास आ जाता है तो हमारा जो बल्ब है ये बल्ब ग्लो होने लग जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप काफी आसानी समझ जाएंगे, सबसे पहले हमने कोई स्विच ऑन नहीं कराया, जैसे हमने स्विच ऑन कराया तो हमारे सर्किट के अंदर हमारा वोल्टेज फ्लो होने लग जाएगा और करंट के केस में भी होगा। इतने समय तक हमने स्विच बंद कर रखा था तो हमारा करंट भी नहीं चलेगा और जैसे हमने स्विच ऑन करा तो ये बल्ब ऑन होगा तो हमारा जो करंट है वो करंट भी थोड़ा जाने लग जाएगा इस सर्किट के अंदर। और दोस्तों यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी, वो लिखी मैंने दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर, वो इस बल्ब का टेम्परेचर है कि हमारा बल्ब कितना गर्म हो रहा है। तो दोस्तों स्टार्टिंग केस में हमारा बल्ब बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, पर जैसे ही हमारा ये वोल्टेज और करंट इसके अंदर थोड़ी देर तक चलेंगे तो थोड़ी देर बाद हमारे इस बल्ब के चलने के बाद में मतलब आधा एक सेकंड बल्ब के चलने के बाद में हमारा जो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ते ही हमारे जो दोनों कॉन्टैक्ट है ये कॉन्टैक्ट में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूं जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, हमारा शॉर्ट सर्किट होगा और शॉर्ट सर्किट जैसे ही होगा तो हमारा जो करंट है वो करंट बढ़ जाएगा। जैसे आपको पता है कि शॉर्ट सर्किट होते हैं हमारे करंट की मात्रा बढ़ जाती है और दोस्तों थोड़ी समय तक हमारा करंट ज्यादा रहेगा और हमको पता है जैसे ही हमारा करंट बढ़ेगा तो उसी समय हमारा एक सेकंड के लिए वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज से वापस से नीचे हो जाएगा। पर जो हमारा आधा एक सेकंड के बाद में हमारा जो बल्ब है ये बल्ब वापस से इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, तो हमारे जो कॉन्टैक्ट है ये कॉन्टैक्ट वापस से दूर दूर हो जाएंगे और इन कॉन्टैक्ट के दूर होने के बाद में हमारा जो करंट है वो करंट एकदम से वापस से कम होगा और इस करंट के कम होते ही हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज एक बार में हमारा काफी तेज मात्रा में बढ़ेगा। और दोस्तों जैसे ही हमारा ये वोल्टेज इतना हाई लेवल में बढ़ता है इन दोनों ट्यूब पे हमारे यहाँ पे वोल्टेज का प्रेशर बढ़ता है और इसके अंदर की जो गैस है वो गैस हमारी थोड़ी गर्म हो जाती है वोल्टेज ज्यादा आने के कारण, और फिर ऐसे ही हमारा जो स्टार्टर है इस स्टार्टर का जो बल्ब है वो बल्ब हमारा 2-3 बार शॉर्ट सर्किट पैदा करता है और ये 2-3 बार शॉर्ट सर्किट होने के कारण हमारे इसके अंदर की जो गैस है वो गैस गर्म होकर ये गैस आपस में कॉन्टैक्ट बना लेती है। ये जो हमारी ट्यूबलाइट की रोड होती है इसके अंदर हमारी मर्क्यूरी गैस होती है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। इस मर्क्यूरी के साथ में या तो हमारी एक आर्गन गैस होगी अधिकतर मात्रा में ये होती है और कहीं कहीं भी हमारी नियॉन गैस भी होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों जब हमारा बार बार शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारी जो मर्क्यूरी गैस होती है ये मर्क्यूरी गैस भी धीरे धीरे गर्म होकर हमारा कॉन्टैक्ट बना लेती है और हमारी मर्क्यूरी गैस में इलेक्ट्रिकल का कॉन्टैक्ट बनने के बाद में हमारा जो करंट और वोल्टेज इसी फ्लूरोसेंट ट्यूब से ही होकर गुजरने लग जाता है और हमारा सर्किट यही पूरा हो जाता है, हमारा स्टार्टर तक हमारा फेस और न्यूट्रल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बाद में अगर हम इस स्टार्टर को निकाल भी लेते हैं तो हमारी ट्यूबलाइट कंटिन्यू रन होती रहती है।